कटिहार जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन हुआ सख्त। जिला पदाधिकारी ने कोरोना से बचाव के लिए चलाई मुहिम। दरअसल भारत के महानगरों से लगातार यात्री कटिहार जिले पहुंच रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण कटिहार जिला प्रशासन ने जहां एक ओर रेलवे स्टेशन पर जांच की व्यवस्था की है, वहीं शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर जिला अधिकारी उदयन मिश्रा लोगों को जागरूक करने के लिए पहुँच रहे हैं और कोरोना से बचने की सलाह दे रहे हैं। वहीं बिना मास्क इस्तेमाल करने वाले लोगों का फाइन काटा जा रहा है। जिला पदाधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि कोरोना रिटर्न्स जिले वासियों के लिए घातक हो सकता है, इससे बचने की जरूरत है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और जब भी निकलें मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी बनाए रखें। इससे न सिर्फ आप बचेंगे बल्कि दूसरों को भी इस संक्रमण से बचाया जा सकेगा। जिला प्रशासन भी अब पूरी शक्ति के साथ बिना मास्क पहने लोगों की चालान काटेगी। पूरा मास्क लगाइए। मैंने स्वयं प्रारंभ किया है। बार बार आते जाते मैं देखता हूँ कि कई लोग घूम रहे हैं बिना मास्क के, जो कि घातक है। उनके स्वयं के लिए भी घातक है, दूसरों के लिए भी घातक है। आप लोग देख रहे हैं, हम लोग दो दो मास्क लगा के घूम रहे हैं। बहुत अच्छा नहीं लगता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, लेकिन जान बचती है। इसीलिए ये ड्राइव चलता रहेगा और आगे जो लोग भी बिना मास्क के देखेंगे उनको चालान किया जाएगा। सर, अस्पताल में भी कई लोग मास्क नहीं लगाते हैं। अस्पताल में भी मैंने अभी CS महोदय को बोला है कि इनके यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का फॉलो होना चाहिए। इन लोग का स्वस्थ होना हम लोग के लिए बहुत आवश्यक है। आगे जो समय हम लोग का आने वाला कठिन समय है, तो हमारे चिकित्सक स्वस्थ रहेंगे तो ही हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। कितने की फाइन सर लगाई जा सकती है बिना मास्क वाले लोगों को? क्या कितने? हाँ, 50 रुपीज का एक टोकन फाइन है। 50 रुपये का टोकन फाइन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं शुरुआत में। अगर लोग अभी भी नहीं मास्क लगाएंगे तो आगे सघन अभियान चलेगा और सभी लोगों को चालान किया जाएगा। सर, 7 बजे के बाद दुकान को बंद करना है। ऐसे में तमाम ऐसे दुकानें हैं जो खुली रहती हैं, उन पे क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, SDO साहब को, तीनों SDO साहब को हमने ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि वो खुद जा कर के देखें। मोस्टली शुरुआत के 1-2 दिनों में कुछ दुकानें खुली थी, बट मोस्टली दुकानें अभी बंद हो जा रही। मैंने कई दुकानों में फ़ोन करके भी बिना बताए कि मैं कौन बोल रहा हूँ, मैंने पूछा कि अभी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि बंद हो गया है दुकान। बट आगे भी जितने भी SDO और मेरे द्वारा स्वयं भी दुकानों का भी इंस्पेक्शन किया जाएगा। जो सरकार का अनुदेश है उसका अक्षरता पालन करना हम सबका कर्तव्य है। थैंक यू। उसके क्या फाइन होगा सर? खुली पानी पाई जाए, वो हम लोग सील भी कर सकते हैं, वो हमारे। ब्यूरो रिपोर्ट, कटिहार टॉप न्यूज़।